अरे दोस्तों, यहाँ पे देहरादून में काफी अच्छा मौसम है, थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी। और मैं अपने घर की बालकनी में खड़ा था। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कॉर्बेट में टाइगर जीप पे अटैक क्यों नहीं करता। मैं बता देता हूँ कि कॉर्बेट में टाइगर कभी भी टूरिस्ट पे और जीप सफारी पे अटैक इसलिए नहीं करता क्योंकि वो हमेशा जीप सफारी को एज ए नेचर का पार्ट समझता है। वो जैसे उसके लिए पेड़ पौधे हैं, उसी तरह से उसके लिए जीप सफारी है। जीप सफारी कभी उसके लिए खतरा नहीं होती है, तो वो कभी भी डिफेंस नहीं करता और कभी डरता भी नहीं और कभी अटैक भी नहीं करता। मानसून के बाद 15 नवंबर को जब भी पार्क खुलता है तो शुरू में जितने भी जानवर हैं, चाहे टाइगर हो, तो सभी ना डर जाते हैं जीप को देख के, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से पार्क नहीं खुला होता है, तो उन्होंने कभी इस तरह से जीप को नहीं देखा होता, तो हैबिचुअल नहीं होते हैं। शुरू के 1-2 हफ्ते वो थोड़ा सा डरते हैं, फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा भी अपना पर्सनल रिकमेंडेशन है कि कभी पार्क खुलते ही एकदम से पार्क में मत जाएं, क्योंकि आपसे जो जानवर बहुत ज्यादा डरेंगे और इधर उधर भागेंगे, तो थोड़ा लेट जाएंगे तो तक वो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कभी कभी तो डियर भी बिल्कुल पास में खड़ा रहता है जीप सफारी, जीप के कभी भागता नहीं, और टाइगर तो हमेशा फेमिलियर रहता है, वो इतना भागता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जीप का व्हीकल हुआ या कुछ भी हुआ, वो टाइगर से काफी बड़ा होता है, तो उस वजह से भी वो उस पर अटैक करने की नहीं सोचता कभी भी। नॉर्मली टाइगर एलिफेंट पे अटैक नहीं करता है, तो उस हिसाब से वो जीप पे भी अटैक नहीं करता। टाइगर जीप के पास होता है तो ड्राइवर और गाइड स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भैया नीचे बैठ जाइए और शोर मत करिए। टाइगर पास में है, लोग शोर करेंगे और जीप पे खड़े हो जाएंगे, तो क्या होता है कि उसकी आकृति चेंज हो जाती है जीप की, जो उसने हमेशा देखी है, तो उससे बिल्कुल वो अलग दिखाई देती है। तो उसको ना बहुत गुस्सा आ जाता है, चिड़न भी हो जाती है, कभी कभी वो चार्ज भी कर देता है, ऐसा देखा गया है। टाइगर हमेशा दो ही कंडीशन में अटैक करता है, जब उसको फूड चाहिए होता है या फिर वो डर जाता है। हमेशा जितने भी पार्क के ऑफिशियल हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि टाइगर अटैक करे जीप पे या टूरिस्ट पे, तो उससे क्या होगा, उन्हीं का नुकसान होगा, विजिटर्स कम हो जाएंगे और लोग में नेगेटिविटी फैल जाती है, तो फिर कौन पार्क में आना चाहेगा, तो उससे रिवेन्यू भी डाउन होगा पार्क का। तो कभी ऐसा सुना नहीं है, ना मैंने देखा है कि यूजलेसली किसी टाइगर ने जीप पे अटैक किया है। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, भाई जीप सफारी बिल्कुल सेफ है, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि टाइगर ने अटैक किया है, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, ना वो भूखे हैं, ना वो परेशान है, और ना उनको किसी ने पिंजरे में रखा है जिससे कि उनके मेंटल कंडीशन ठीक ना हो। वो बिल्कुल फिट एंड फाइन, परफेक्ट अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, बिल्कुल खुश रहते हैं, तो इसलिए वो इतने एग्रेसिव भी नहीं होते हैं जितना कि एक पिंजरे में रहने वाला शेर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई टाइगर मैन ईटर हो जाता है। मैन ईटर होने के भी काफी कारण होते हैं कि भैया उसके दांत टूट गए, बूढ़ा हो गया, डियर वगैरह को तो पकड़ नहीं पा रहा वो, तो वो क्या होता है कि मैन को ही पकड़ लेता है, तो क्योंकि वो इजिली उसके पंजों से मार सकता है वो, बल्कि डियर को तो मारने के लिए काफी ज्यादा ताकत चाहिए, काफी स्पीड चाहिए। तो फिर उस कंडीशन में क्या होते हैं, फॉरेस्ट वाले उस मैन ईटर को पकड़ लेते हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज देते हैं या फिर किसी जू में ट्रांसफर कर देते हैं। विदेशों में क्या होता है कि साउथ अफ्रीका में वो तो राइफल लेके चलते हैं क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े खतरनाक लायन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं है। राजा जी में या जिम कॉर्बेट में यहाँ पे कोई राइफल नहीं रखता, इवन कोई डंडा तक नहीं रखता, क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है हिस्ट्री में। हालांकि मेरा मानना यह है कि कुछ सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन रखते नहीं है, पता नहीं क्यों। इसलिए कभी भी जीप सफारी में बैठे हुए आदमी को किसी टाइगर ने इवन एलिफेंट ने भी ऐसे निकाल के मारा नहीं है, अनलेस कोई जीप सफारी से नीचे ना उतरा हो। कभी कभी देखा गया है कि जब फॉरेस्ट वाले पैदल चलते हैं फॉरेस्ट में, तो अटैक हुए हैं टाइगर के, लेकिन बहुत रेयरली। नॉर्मल टाइगर नहीं करता, जिसका बिहेवियर चेंज हो जाता है वही करता है। ये हमेशा पार्क में टाइगर जो होता है वो 4 पैर वाले जानवर को ही अपना शिकार बनाता है। आदमी 2 पैर वाला है, स्ट्रेट खड़ा रहता है, तो इसलिए कभी भी उस पर अटैक नहीं करता। कभी कभी ऐसा सुनने में आया है कि जैसे खेत में काम करने वाले होते हैं तो वो थोड़ा झुक के काम करते हैं, कुछ फसल काट रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि ये 4 पैर वाला जानवर है, तो इसलिए उस कंडीशन में भी टाइगर ने अटैक किया है। वो आकृति को देख के भी, मतलब एक शेप को देख के भी अटैक करता है। फिलहाल यही था कि टाइगर अटैक नहीं करता है। तो भाई मेरे पीछे आप बादल देख सकते हैं, मसूरी का नज़ारा, ये यहाँ की खूबसूरती है। और ये जो फेमस हिल स्टेशन मसूरी सामने दिख रहा है, जहाँ पे ये बादल नीचे आ रहा है, वहाँ पे लैंडोर है, और अंग्रेजों ने इसको मसूरी क्वीन ऑफ हिल बनाया था उस सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है और हमेशा मानसून में अभी जुलाई अगस्त सितंबर तक तो ये समझो कि पूरा फोग ही रहता है। तो काफी अच्छा मौसम था। मैंने भी आपके लिए टाइगर जीप सफारी पे और टूरिस्ट पे अटैक क्यों नहीं करता, तो उसको भी मैंने बता दिया इस मौसम के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।